Now, today we discuss about the uh, redox reaction balancing by oxidation number method. This is my reaction. P4 plus OH minus phosphine pH 3 plus H2PO2 minus. What is the oxidation number of P4 here? No, 0. And what is the oxidation number of phosphorus in pH 3? Each hydrogen is plus 1. 3 hydrogen milk K plus 3. So, each phosphorus should be minus 3. Okay. And now you have to find out the oxidation number of this phosphorus. बौद्ध हाइड्रोजन मिलके प्लस टू ईच ऑक्सीजन माइनस टू तो बौद्ध ऑक्सीजन मिलके माइनस फोर एंड हियर इट इज अ माइनस वन मतलब क्या देखो हम निकालने का प्रोसेडियो भी दिखा रही हूँ हाइड्रोजन प्लस टू दोनों हाइड्रोजन मिला के मानो फॉस्फोरस इज एक्स ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन मिला के माइनस फोर इक्वल टू क्या होगी माइनस वन तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू आएगी प्लस वन तो ऑब्वियसली फॉस्फरस के ऑक्सीडेशन स्टेट हीयर प्लस वन ओके नाओ क्या लिखेंगे हम लोग पी फोर टू

That is oxidation number decreased. Oxidation number decreased by three unit per atom. In the slash, like atom. So total decrease, total decrease equal to four into three. That is equal to twelve unit. Okay, total decrease is twelve unit. This follow follow. One atom for decreases three unit. फोर एटम्स आर हि तो फोर थ्री या ट्वेल्व यूनिट एक यूनिट के लिए इनक्रीज है तुम्हारी दोनों ही फॉस्फोरस है इसलिए हम लोग लिखेंगे कैसे ऐसे कर देते हैं डिक्रीज ब्रैकेट में पी फोर पी फोर का ही डिक्रीज हो रहा है इस टू इंक्रीज इस टू इनक्रीज ये भी पी फोर ऑक्सीडेशन नंबर के नियम क्या होती है ना जितनी डिक्रीज हो रहा है उतनी इंक्रीज़ हो रहा है उसका हम लोग रेशियो निकालेंगे देखो बेटा डिक्रीज़ कितना यूनिट हो रहा है ना ट्वेल्व यूनिट इंक्रीज कितना यूनिट हो रहा है ना फोर यूनिट इसका रेशियो निकालेंगे ऑब्वियसली जानते ही हो ये छोटा हो जाएगा थ्री इज टू वन तो जहाँ जहाँ पे डिक्रीज़ हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई उसको वन से इंटू करेंगे जहाँ जहाँ पे इंक्रीज़ हुआ उसको हम लोग थ्री से इंटू कर देंगे ठीक है अच्छा तो देखो फॉस्फोरस तो पी फोर तो पी फोर ही है प्लस ओ एच माइनस भी ओ एच माइनस ही है अब हम लोग देखते हैं इधर पी एच थ्री पी एच थ्री कौन सी कैटेगरी में आते हैं देखो इंक्रीज द डिक्रीज ऑब्वियसली देख रहे हो डिक्रीज से तो डिक्रीज को क्या करना है वन से इंटू करना है मतलब पी एच थ्री को इंटू करना ही नहीं है प्लस एच टू पी ओ टू माइनस ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं इंक्रीज कैटेगरी में इंक्रीज को कितने से इंटू करना है थ्री से इंटू करना है इसलिए हम लोग इधर क्या लिखेंगे थ्री एच टू पी ओ टू माइनस ठीक है अब देखो टू बैलेंस टू बैलेंस द टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स क्या करना है इधर ओनली वन ऑक्सीजन प्रेजेंट इधर देखो थ्री टू जिक्स ऑक्सीजन प्रेजेंट हम लोग के मीडियम भाई क्या है बेसिक मीडियम सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस ओच माइनस बाई सिक्स तो देखो हम लिख रहे हैं पी फोर प्लस सिक्स ओइ माइनस इट विल प्रोड्यूस पी एच थ्री प्लस जैसे थ्री एच टू पी ओ टू माइनस था ऐसे ही रहेंगे तो देखो ऑक्सीजन हैज बिन बैलेंस्ड बट बैलेंस क्या नहीं है अभी थी हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंसड तो इधर हम लोग फिर से लिखेंगे टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम हियर इट इज सिक्स हाइड्रोजन एटम्स ना हाइड्रोजन के लिए देखो हम लोग गिनती करते हैं पहले इधर सिक्स हाइड्रोजन इज प्रेजेंट और इधर देखो तो कितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट थ्री टू दिक्स प्लस थ्री दैट इज़ नाइन हाइड्रोजन तो इधर सिक्स हाइड्रोजन इधर नाइन हाइड्रोजन दैट इज थ्री मोर हाइड्रोजन सर रिक्वर्ड हियर हम लोग इसके पहले भी सीखे हैं ठीक जितनी हाइड्रोजन चाहिए ठीक जितनी हाइड्रोजन चाहिए उसके डबल नंबर वाला हाइड्रोजन के वाटर ले आएंगे मतलब एक्चुअली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ देखो पी फोर प्लस सिक्स ओच माइनस हम इधर ऐड करेंगे थ्री एच टू मेरे को जरूरत था केवल थ्री हाइड्रोजन का लेकिन वाटर के द्वारा हम लोग कितने हाइड्रोजन ले के आ गए थ्री टू जस सिक्स हाइड्रोजन मतलब तीन के जरूरत है तो छः हाइड्रोजन हम लेके आए क्यों लेके आए क्योंकि केवल हाइड्रोजन तो मैं ले ला पा रही हूँ हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी तो आ रहा है ना तो इसको भी रिमूव करवाना है तो इसको रिमूव करवाना है तो एच माइनस के फॉर्म में रिमूव करना पड़ेगा तो उसके साथ भी तो हाइड्रोजन का यूज़ हो जाएगा इसलिए जितनी हाइड्रोजन जरूरत है ठीक उसके डबल हाइड्रोजन को ले आना है तो थ्री वाटर क्योंकि थ्री टू जस्ट सिक्स हाइड्रोजन हमको मिल गया इस साइड में मेरे ऑलरेडी कौन है पी एच थ्री प्लस थ्री एच टू पी ओ टू माइनस और साथ में हम क्या लिख देंगे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को भगाने के लिए थ्री ओ एच माइनस तो अल्टीमेटली देखो इधर छः हाइड्रोजन लाए थे तो फिर तीन हाइड्रोजन हमने दे दिए तो कुल मिला के बाद बराबर है इसलिए याद रखेंगे हाइड्रोजन बैलेंस करने का सिस्टम क्या है बेसिक मीडियम में ये हमको जितनी हाइड्रोजन चाहिए जिस साइड चाहिए उस साइड हम ठीक उतनी ही वाटर ले आएंगे और उसकी ऑपोजिट साइड में ठीक उतनी ही ओ एच माइनस लिख देंगे जितनी हाइड्रोजन चाहिए जिस साइड चाहिए ठीक उस साइड हम थ्री एच टू तो, उतना ही वाटर ले आएंगे और उसके ऑपोजिट साइड में ठीक उतनी ही ओ एच माइनस को लिख देंगे ठीक है तो इस तरह बैलेंस करना है हमको अच्छा अब देखो तकलीफ कहाँ पे है ना इस जगह पे थ्री एच टू ओ सिक्स ओ एच माइनस है इस जगह पे भी थ्री ओ एच माइनस है तो दोनों साइड में इक्वेशन के तो एक ही चीज़ नहीं रहते हैं तो किसी एक साइड ले आना है मानो इसको अगर इस साइड ले आते हो तो माइनस हो जाएगी वो करना नहीं है इसको इस साइड ले आना है तो अल्टीमेट हम लोग क्या करेंगे पी फोर प्लस सिक्स ओ एच माइनस इधर ले आएंगे तो माइनस थ्री ओ एच माइनस दैट स्कूल मिला के थ्री ओ एच माइनस प्लस थ्री एच टू ओ ये क्या देंगे हमको पी एच थ्री प्लस थ्री H2PO2 minus. My reaction has been balanced total.